बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट। आई एम बुशरा कुलजान प्रेजेंटिंग माय लेक्चर केमिस्ट्री 10 लेक्चर नंबर 5 एंड यूनिट नंबर इज 11। स्टूडेंट टुडे इज आवर टॉपिक इज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। एज यू नो कि सैचुरेटेड कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड हो सारे, और अनसैचुरेटेड कंपाउंड हाइड्रोकार्बन्स विद कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर ऑल सिंगल बॉन्ड्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम एल्केन भी कहते हैं। एल्केन ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 कार्बन एटम। मीथेन इज द सिंपलेस्ट एल्केन, ये आपको पढ़ा हुआ। इसका जनरल फार्मूला CnH2n+2 है, और आपको ये मैं ऑलरेडी अंडरस्टैंड करवा भी चुकी हूँ। 4 साइड पे हाइड्रोजन अटैच होती है। नेक्स्ट जो आपका बेटे है वो है अनसैचुरेटेड, उसके में आ जाता है। सबसे पहले जो है हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसमें आप देखें कौन कौन सी हैं। ये आपकी जो इथेन है ये कन्वर्ट होगा इथीन में, और उसके बाद ये इथाइन में। अगर सिंगल बॉन्ड है इथेन है, डबल बॉन्ड हो जाएगा ENE लग जाएगा यानी इथीन बन जाएगा, और अगर ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर मौजूद होगा तो इथाइन बन जाएगा। ये हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं बेटा कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से फर्दर टू उसमें डिवाइड होते हैं टाइप में अल्कीन्स एंड अल्काइन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग एट लीस्ट 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आर कॉल्ड अल्कीन्स एंड दे हैव जनरल फार्मूला CnH2n, जबकि एग्जाम्पल इसकी है इथीन। तो नेक्स्ट आ जाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की जो सेकंड टाइप है उसे हम जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एटलीस्ट 1 हो जिसमें, उसे हम एल्काइन कहते हैं, और दे हैव जनरल फार्मूला CnH2n-2, और सिंप इसके एग्जांपल है इथाइन जो यहाँ पर ये इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ है बेटा। इंपॉर्टेंट जो मैं आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करवा चुकी हूँ कि हमें इस तरह इसका नेम कैसे हम अलॉट करते हैं, नेमिंग कैसे करते हैं। ये एक इंटरनेशनल सिस्टम है जिसे हम यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड साइंस IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने एक सिस्टम डिवाइस किया है जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेम्स अलॉट करते हैं। अब देखें बेटा इसमें सबसे पहले आ जाता है कि स्टेम। स्टेम क्या है? जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्टेम है वो बताता है आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम, उस कार्बन जो आपका कार्बन कंपाउंड है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, वो उसका फर्स्ट पार्ट होता है जिसे हम स्टेम कहते हैं। जैसे मीथेन का मेथ और इथेन का एथ, प्रोपेन का प्रॉप, ब्यूटेन का ब्यूट प्रो और पेंटेन का पेंट, ये सारे इसके स्टेम्स हैं जो हमें बता रही हैं कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन मीथेन का 1 है, इथेन का 2 है, सबको पता है नंबर ऑफ कार्बन एटम ये बताता है। जबकि सेकंड पार्ट जिसे हम सफिक्स कहते हैं, सफिक्स जो हमें बताता है वो हमें इसकी क्लास बताता है यानी क्लास ऑफ कंपाउंड क्या है। यानी आपको बताएगा इन एन आयन, यानी ये बताएगा ये सिंगल बॉन्ड रखता है, डबल बॉन्ड रखता है या ट्रिपल बॉन्ड रखता है। नेक्स्ट आ जाएँ बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आ रहा है, लॉन्ग टॉपिक है। सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते कहाँ से हैं, इनके सोर्सेज क्या हैं। सबसे जो सोर्स है मेजर सोर्सेज जो हैं कोल है, नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम और लिविंग ऑर्गेनिज्म है। कोल इज़ अ सोर्स ऑफ मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की। व्हेन कोल इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर इट कन्वर्टेड इनटू कोल गैस, कोल टार एंड कोक, इस प्रोसेस को हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं। कोल इसमें एज ए, उसके अलावा कोल को हम यूज़ करते हैं सॉलिड फ्यूल के। कोल गैस कंटेन मीथेन हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस इज मेनली यूज इन फ्यूल एज इंडस्ट्री। कोल तार ये सोर्स है मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जैसे कि बेंजीन और इसकी डेरिवेटिव्स का। दीज कंपाउंड्स कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के जरिए जिसमें हम डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट के थ्रू डिफरेंट जो होते हैं कंपाउंड्स को अलग अलग करते हैं, उन्हें हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस एज ए सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दे आर यूज इन सिंथेसाइज करने, प्लास्टिक सिंथेसाइज करने में, डाई सिंथेसाइज करने में, कलर फूड कलर ड्रग्स पेंट एंड वार्निशेज वगैरह बनाने में यूज होते हैं। और जो इनका रेजिड्यू पीछे बच जाता है उसे हम पिच कहते हैं, और ये पिच जो है रोड्स को और रूफ्स को मेटल करने के काम आती है। नेक्स्ट इसका बेटा आ जाता है आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नेक्स्ट सोर्स है वो है नेचुरल गैस। पेट्रोलियम कंटेन्स अ वाइड वैरायटी ऑफ अल्केन्स इंक्लूडिंग दोज हैविंग वेरी लॉन्ग चेन्स ऑन, जो है आल्सो जो कंटेन करती है स्मॉल अमाउंट ऑफ, इसमें इथेन भी पाई जाती है
और दूसरी चीज़ें भी होती हैं कि पेट्रोलियम जो है जो आपने मैं आपको समझा रही हूँ कि पेट्रोलियम में जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू हम पेट्रोलियम को अलग करते हैं और वेरियस इसकी आप हाइड्रोकार्बन में से अलग अलग हो जाती हैं। इसको हम क्या कहते हैं, आप इनको सब जब मैंने आप लोग को चैप्टर 16 तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेटा, चूँकि हम रिवीजन पर हैं तो आपको इसकी सारी फ्रैक्शन का मालूम होगा। नेक्स्ट जो आ जाता है आपका वो है लिविंग ऑर्गेनिज्म। मैनी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सच एज प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और बहुत सी मेडिसिन जो हैं वो हमें प्लांट और एनिमल से मिलती हैं। उसके अलावा लास्ट बेटे आपका आ गया कि हम बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में भी सिंथेसाइज करते हैं, जो 10 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो हम लैब में बना चुके हैं। उसके बाद बेटे आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक और टॉपिक है, यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, हमें यूज़ हम इनको कहाँ करते हैं। सबसे पहले जो है नेचुरल गैस जो है और पेट्रोलियम आर यूज प्राइमरली एज ए फ्यूल के तौर पर यूज़ होती हैं, और इसके हम इसके अलावा बहुत से मटीरियल को स्टार्टिंग मटीरियल जो है हमें पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से मिलता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका बेटा प्रोपेन एंड ब्यूटेन विच आर गैसेस, ये नेचुरल गैसें हमें मिलती हैं और ये भी हमें हम इन्हें सिलेंडर में फिल करके यूज़ करते हैं जिन्हें LPG कहते हैं। इथिलीन मेजर स्टार्टिंग मटेरियल है मैन्युफैक्चर ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल्स एंड प्रोडक्ट्स सच एज पोली जो है आप इसे कहते हैं पोलीथिलीन जिसे प्लास्टिक कहते हैं, इथाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड एंड इथिलीन ग्लाइकोल जिसे कि हम एंटी फ्रीज भी कहते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका बेटे नेक्स्ट कि एसिटिलीन को ही हम ऑक्सी एसिटिलीन भी कहते हैं, आपको पता है बहुत ज़्यादा हॉट फ्लेम प्रोड्यूस करती है जिससे हम मेटल को वेल्ड करने के लिए और इसे कट करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके अलावा इसको हम पॉलीविनाइल PVC पॉलीविनाइल एसीटेट और सिंथेटिक रबर बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। एसिटिलीन को हम फल वगैरह को पकाने के लिए आर्टिफिशली भी यूज़ करते हैं रिपेयरिंग ऑफ फ्रूट के लिए। उसके बाद बेटे आपका आ जाता है कि कंपाउंड ऑफ फिनोल जो है वो हेल्प करता है आपको एंटीसेप्टिक कंडीशन में हॉस्पिटल्स में। उसके अलावा बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो आपको मैन्युफैक्चर ड्रग्स, टाइज एंड कॉस्मेटिक्स बनाने में आप इन्हें यूज़ करते हैं। अब बेटा आपका टॉपिक है एल्केन एंड अल्काइल रेडिकल। आपको पता है कि एल्केन किसे कहते हैं, अल्काइल रेडिकल क्या है। एन अल्काइल रेडिकल इज़ अ ग्रुप ऑफ एटम ऑब्टेन बाय रिमूविंग वन हाइड्रोजन एटम टू एन एल्केन। अगर हम किसी एल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें, किसी भी चीज़ को ऐड करने के लिए हमें जगह खाली करनी पड़ेगी ना बेटा, हम इसमें मोस्टली फंक्शनल ग्रुप ऐड करने के लिए अल्काइल रेडिकल प्रोड्यूस करते हैं। तो जब हम इसमें से हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे वो एल्केन जो है वो अल्काइल रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा और इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे R से। अल्काइल रेडिकल जो है इसकी फर्दर आप कैसे बना आपको समझ आ गया, एक हाइड्रोजन रिमूव करने से फर्दर जो है कि आपके मैंने आपको समझाया हुआ है बेटा कि टू टाइप्स होती हैं, एक एन अल्काइल होता है, एक आइसो अल्काइल होता है। अगर हम वो हाइड्रोजन एटम रिमूव करें उसके टर्मिनल कार्बन से तो वो क्या होगा, एन अल्काइल होगा। और अगर उसके बीच में से कहीं से आप रिमूव करती हैं किसी दरमियान वाले मिडल कार्बन एटम में से जो दरमियान में हो तो आप उसे क्या कहेंगे, सेंट्रल कार्बन एटम से उसे हम कहते हैं आइसो अल्काइल। ये मैंने आपको इसकी डेफिनेशन करवाई दी है, प्रॉपर इसे अच्छी तरह करिएगा। ये अब बेटे आपको होमवर्क गिवन है अपनी नीट नोटबुक पे, ऑलरेडी भी आप क्वेश्चन कर चुके हैं, अभी बड़े ध्यान से करें बेटे ताकि आप लोगों की जो ये तैयारी है बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए वो प्रॉपर हो सके। अब जो इनमें क्वेश्चन गिवन है बेटे, जैसे कि आपने इसमें सबसे पहले टाइप लिखनी है हाइड्रोकार्बन की, तो सिर्फ आपसे टाइप लिखें थोड़ा थोड़ा डिफाइन करें। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं वो आपको मैंने बताया हुआ है कि सारे एल्केन्स जो हैं वो सैचुरेटेड हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, एल्कीन एंड अल्काइन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आप इनके साथ साथ फार्मूलाज भी लिखेंगे जो उनके आपको मैंने लिखवाए हुए हैं कि CnH2NaCHN2N+1+2 है, सब आप लिखेंगे। उसके अलावा आपको नेमी एल्केन में आप लिखेंगे, मैंने नेम IUPAC के थ्रू जो हमें उन्होंने एक डिवाइस दिया हुआ है, सिस्टम दिया हुआ है, अलॉट किया हुआ, उसके थ्रू हमने इनकी नेमिंग करते हैं। सफिक्स और स्टेम क्या होते हैं, आपको पता है स्टेम उसका फर्स्ट पार्ट होता है, सफिक्स आपको कंपाउंड का बताता है कि कंपाउंड की नेचर क्या है, यानी कंपाउंड जो है उसकी क्लास क्या है, वो इन है, आइन है या एन है। उसके बाद नेम आपने मेजर सोर्सेज के लिखने हैं, इनको आपने सिर्फ इनलिस्ट करना है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन को डिफाइन करेंगे, कोल तार क्या है, पिच क्या है, यूजेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बेटा उसमें से आप कोई से 5 मेंशन कर दें। एसिटिलीन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी यूजेज अलग से आते हैं वो भी आप मेंशन करेंगे। उसके अलावा नेचुरल गैस और पेट्रोलियम कहाँ यूज़ होती है, और एल्केन अल्काइल रेडिकल की डेफिनेशन लिखी है, टाइप्स भी हम आइसो और एन है वो आप इसको डिफाइन करेंगे प्रॉपर।